जय जगन्नाथ बंधुगण, माँ लक्ष्मी स्वयं कहिछंती जे स्त्री माने एही समय रे घर झाड़ू करी थांती सेमानंक घर सर्वदा टंकारे भरी रही थाए। माँ लक्ष्मी से ही घरे स्थायी रूप से रही था। एहा सहित आम जानिबा से ही पांचोटी जिनिष जहा कि आम रातिरे करिबा कथा नुहे, जहा द्वारा माँ लक्ष्मी क्रोधित होई घर चली जाती। पूरा जानिबा पई एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु। ताहा पूर्वरु मोर आपण को गोटे छोटिया अनुरोध कि वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु। जदि सब्सक्राइब करनाहंती ताहले सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। बंधुगण, आमर दिनर आरंभ सूर्य उदय एवं संध्यार आरंभ सूर्य अस्तरे होइथाय। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त आमे दिन राति बोली मानिथाउ, सेथिपाई शास्त्र रे एहाकु महत्वपूर्ण माना जाइथाय। शास्त्र रे कुहा जायछि सूर्य अस्त परे कौनसी भी कार्य को शुभ माना जाय नथाय, कौनसी भी घरे तांकर केबे भी उन्नति होइ नथाय। काहेकि ना यार पछरे कौनसी कारणवशत वास्तु दोष होइपारे। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे किछि काम एमिति अछि कौनसी भी महिला एहाकु रातिरे करिबा कथा नुहे, सेथिपाई घर को ओलटा दारिद्रता आसीथाय। ताहले चालंतु जानिबा एही विषयरे। बंधुगण, जदि महिला माने चाहिबे घर को नर्क बनेई पारिबे, जदि महिला माने चाहिबे ताहले घर को कुड़ियारु प्रासाद भी बनेई पारिबे। कौन आपण जानिछंती महिला मानकु एही पांचोटी काम करिबा कथा नुहे, जहा द्वारा घर को दुख एवं दारिद्रता आसीथाए, घरर मुखिया कांगाळ होई जाइथाए। ताहले चालंतु जानिबा कौन सही गुप्त काम जेउटा कि रातिरे स्वामी ता स्त्री सहित करिबा कथा। बंधुगण, बहुत जन लोके कौन करंती ना समय अभाव जोगु लुगापटा रातिरे सफा करिथांती, रंग उड़ीजा डर से राति कपड़ा सब बाहर सुखाई था, किंतु यह ठीक नुहे। यह गोटे प्रकार वास्तुदोष अटे। माना जाए थाए कि राति नकारात्मक शक्ति पवन में भ्रमण करिथाए, सेथिपाई एही भूल राति करंतु नाही, जहाँ द्वारा घर को दारिद्रता आसी थाए। एमिति लोक केते अछंती जे कि अइंठा बासन रखी सोई जानती, जहा कि ठीक नुहे, जहा द्वारा माता लक्ष्मी क्रोधित होई जाई थांती, घर चली जानती, जहा द्वारा अन्नर अभाव सबुबेले रही थाए, घर को दारिद्रता आसी थाए। सेथिपाई सबुबेले रातिरे अइंठा बासन को सफा सुतरा करी रखंतु, ताहा द्वारा घर को लक्ष्मी प्रसन्न होई रही थांती। धनर अभाव केबे भी होई न थाए। केते जण लोक एमिति अछंती जोता चप्पल आदि बेडर तले रखि थांती, जहा कि एहा भूल होई थाए। एहा करिबा द्वारा घरे अशांति सृष्टि होई थाए, ताहा साथिरे रोगिणा मध्य होई थांती। बहुत लोक एमिति अछंती तांको अंधार रे सोइबा पसंद थाए, किंतु वास्तुशास्त्र अनुसारे एकदम अंधार थिबा रूम रे सोइबा कथा नुहे, हालका आलुअरे सोइबा कथा, जहाद्वारा सकारात्मक बनी रही थाए। एहा व्यतीत आपण देशी घिअर दीप जाली सोइबे ताहले माता लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। केतेक लोक एमिति अछंती बाहर घर को आसी बिना गोड़ हाथ धोई सीधा बेड रे सोई पड़िथांती, किंतु से माने जानती नहीं कि तांको देहरे नकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए, सेथिपाई रातिरे एही भूल करंतु नहीं। केतेक लोकंकु रातिरे डेरीरे सोइबा अभ्यास थाए, शास्त्र अनुसारे एहा ठीक नुहे। एहा करिबा द्वारा शरीर सुस्थ रहे नहीं, ता सहित वास्तुदोष मध्य लागि रहिथाए, घर को दारिद्रता आसीथाए। रातिरे पूजा घर को केबे भी खोला करी रखिबे नहीं, पूजा घर को कबाड़ बंद करी रखिबे, नहले कौनसी पर्दा पकई रखिबे। एहा करिबा द्वारा
मूर्ति दोष लागि न थाए। रातिरे सोइबा समय रे कबाट आड़ मुंड किंबा गोड़ करी सोइबे नाही। कबाट आड़ मुंड किंबा गोड़ करी सोइबा द्वारा मनिषर मृत्यु भय बनी रही थाए। घरे माता लक्ष्मीकर कृपा बनई रखिबा पाई हेले घरर किछि नियम को पालन करिबा उचित, जहा द्वारा माता लक्ष्मी को कृपा प्राप्त होई पारिबो। कुहा जाउछि कि घर को लक्ष्मी सेते बेले बास करंती जेते बेले घर को सफा सुतरा रखा जाए। सूर्य उदय परे सकाळ समस्ते घर झाड़ू पोछा आदि करिथांते, किंतु वास्तुशास्त्र अनुसार संध्या सूर्य अस्त परे घरे झाड़ू पोछा लगेबा बिल्कुल भी करिबा कथा नुहे। वास्तुशास्त्र अनुसार सकाळ झाड़ू लगेबा श्रेष्ठ अटे, किंतु बाध्यरे जदि संध्यारे झाड़ू लगेबाकु पड़े ताहेले घरर कचड़ा उठाई रातिरे बाहरे पकेबे नाही, सेही कचड़ा को रखिथिबे। ता आर दिन सकाळे आउ थरे झाड़ू पोछा करिसारिला परे सेही कचड़ा को एका संगे पकेबे। खाली एतिकि नुहे, वास्तुशास्त्र अनुसार झाड़ू रखिबार नियम दिशा रही अछि। वास्तुशास्त्र अनुसार घरर झाड़ू को गोटे धला रंगर सूतारे बांधिकी रखिबा उचित, ध्यान रहिबा उचित। एही नियम काहाकु कहिबे नाही, जहाद्वारा धनर हानि होइथाय। वास्तुशास्त्र अनुसार टंका जेमिति लुचेकी रखा जाए सेहीपरि झाड़ू को मध्य सेपरि लुचेकी रखिबे। वास्तुशास्त्र अनुसार झाड़ू को लुचेकी रखिबार बहुत लाभ होइथाय। घरे दारिद्रता आसि नथाय, घर को माता लक्ष्मीकर बास होइथाय। झाड़ू को सबुबेले सुवाईकी रखिबा उचित, एहा द्वारा घरे आर्थिक समस्या होइ नथाय। झाड़ू को सबुबेले दक्षिण दिगरे रखिबा उचित, एहा करिबा द्वारा घरे हस खुशी भरी रहिथाय। आउ घर को दारिद्रता माड़ी आसी नथाय। घरे रातिरे झाड़ू को मुख्य द्वार थिबा भीतर पट को रखिबा उचित। सकाळु उठिबा परे मुख्य द्वार को झाड़ू करिबा उचित। कोहा जाइछि कि घरर झाड़ू मुख्य द्वार पाखरे रखिले रातिरे बुलुथिबा नकारात्मक शक्ति घर को प्रवेश करि पारि नथाय। बंधुगण, खाद्य ग्रहण करिबा जागारे मध्य झाड़ू को रखिबा उचित नुहे। खाद्य ग्रहण करुथिबा जागारे माता अन्नपूर्णा देवीक बास होइथाय। एही जागारे रखिले घरर समस्त सदस्यंकर स्वास्थ्य समस्या होइथाय। बंधुगण, आपणक अगणारे तुलसी गछ निश्चय लागिथिबो। घरे तुलसी गछ रहिबा बहुत शुभ माना जाइथाय, किंतु सूर्यास्त परे तुलसी गछ को स्पर्श करिबा उचित नुहे, एवं सूर्यास्त परे तुलसी गछरे जल अर्पण करिबा मध्य उचित नुहे। एहा द्वारा धनर देवी माता लक्ष्मी क्रोधित होइथांति, घरु सुख समृद्धि सब चली जाइथाय। सूर्य अस्त हेला समय रे खाइबा एवं सोइबा उचित नुहे। एही कारणरो केवल धन हानि होइ नथाय, एहा सहित व्यक्तिर स्वास्थ्य ठीक रहि नथाय। सूर्यास्त परे केबे भी चुट्टी काटिबा ठीक नुहे, एहा द्वारा माता लक्ष्मी क्रोधित होइथांति। हातर नख केबे भी रातिरे काटिबा कथा नुहे, जहा द्वारा घर को नकारात्मक प्रभाव पड़िथाय। बंधुकण, एहा थिला सेही काम कि रातिरे कौनसी भी व्यक्ति एहाकु करिबा कथा नुहे, जहा द्वारा घर को नकारात्मक प्रभाव पड़िथाय। किंतु बंधुकण, एमिति किछि काम अछि जहा निज स्त्रीक सहित ता स्वामी करिबा उचित, जहा द्वारा स्वामीर सफलता रे केही भी काटि पारिबे नाही। आचार्य चाणक्य महान ज्ञानी थिले, तांकर कथा अनुसार आचार्य चाणक्य कहंती हिंदू धर्म रे महिला माननकु देवी लक्ष्मी समान माना जाइथाय। आउ एमिति भी जागा अछि जेउ जागारे महिला माननकु पूजा भी करा जाइथाय। बंधुगण, आचार्य चाणक्य कहंती गोटे स्वामी ता स्त्री सहित मन खोलिकी भल पाइबा उचित। स्वामी स्त्री मध्यरे कौनसी
दूरता न रहिबा आवश्यक। जदि स्वामी स्त्री मध्यरे कौनसी कथा को नै मनभेद होइथाय ताहाले रातिरे ताहा दूर करिबा उचित। निजर भल पाइबा को आग को बढ़ेबा उचित। निजर संपर्क को आहुरी मजबूत बनेबा आवश्यक। एमिति लोकंक उपरे माता लक्ष्मीकर कृपा बनी रही थाए। एमिति घर को स्वर्ग माना जाए थाए। आउ एमिति घर सकारात्मक वृद्धि पाइबा सहित सुख शांति समृद्धि धन धान्य सबकिछि वैभव प्राप्त होइथाय। बंधुकण वीडियोटी जदि आपण मानंकु भल लगे ताहले वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। धन्यवाद।